अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट सिरप बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर में चॉकलेट सिरप बनाना बहुत ही आसान है। चलें हम चॉकलेट सिरप बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, इसमें हम 5 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। 5 टेबलस्पून ही हम इसमें शुगर डालेंगे। आप ग्राइंड की हुई शुगर भी ले सकते हैं और दूसरी शुगर भी ले सकते हैं। और इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये अच्छी तरह बीट हो चुका है। आप हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं। बस ये कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। इसमें हम ये बीट किया हुआ बैटर डालते हैं। अब हम इसको चम्मच से मिक्स करते जाते हैं ताकि ये नीचे ना लगे। चम्मच आप मुसलसल चलाते रहेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे जी। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हैं। देखें, चॉकलेट सिरप रेडी हो गया है। घर में बनाना कितना ही आसान है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट सिरप रेडी है। घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं और केक पर भी यूज़ कर सकते हैं।